जनपद मुरादाबाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध कटान करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 10 लाख की नकदी सहित लगभग एक दर्जन गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें अवैध कटान के लिए पशु गए हुए थे। मुरादाबाद के थाना गल शहीद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के थाना गल शहीद पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध कटान किया जा रहा है, जिस पर अधिकारियों ने एक पुलिस टीम बनाकर जब इलाके में स्थित एक अहाते से छापा कार्रवाई की। मुरादाबाद SSP अमित पाठक ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर छापा मारने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है और जो लोग इसके पीछे हैं उन सहित 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अवैध पशु कटान को लेकर मुरादाबाद पुलिस का अभियान चला है, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या नकदी बरामद हुई है? पिछले कई दिनों से हम लोगों ने इस पे सख्ती करी है, क्योंकि कुछ सूचनाएं हमें मिली थी और डेवलप करने पर जनपद में नवागंतुक 2 ASP साहब जो आए हैं उनको ये टास्क दिया गया और थाना गल शहीद क्षेत्र में एक हाथे में जब हम लोगों ने छापा डाला तड़के, तो वहाँ पर हम लोगों को करीब 10 लाख रुपए कैश और 8-9 गाड़ियाँ, जानवर और वहाँ पर अवैध स्लॉटरिंग होते हुए पाया गया और उस संबंध में करीब 40 से अधिक लोगों को वहाँ मौके से गिरफ्तार करके ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पीछे जो लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। 3 और गाड़ियाँ अभी चिन्हित कर ली गई हैं जिनके ड्राइवर मौके से चले गए थे, उन गाड़ियों को थाने लाया जा रहा है। सभी के खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर में कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं, पार्षद बताए जा रहे हैं, जो भी हैं, अभी 2 दिन पहले भी इसी तरीके की एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसी से हमको हिंट मिला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आसपास इस प्रकार की कोई गतिविधि चल रही हो, उसका इंटेलिजेंस डेवलप करके कल रात में ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो सर, प्रतिबंधित पशु का मांस मिला है या अवैध पशु कटान है? प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित पशु का नहीं है वो, और एक मामले में हमने पैनल ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स से उसका एग्जामिनेशन भी करा लिया जो प्रतिबंधित श्रेणी का नहीं है, लेकिन चूंकि कटान अपने आप में प्रतिबंधित है, अवैध कटान है, तो उस पर सभी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मैं जयपाल शर्मा, चेयरमैन मार्केट कमेटी करनाल, दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे हरियाणा के किसान भाइयों को, आढ़ती भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मार्केट कमेटी करनाल के चेयरमैन जयपाल शर्मा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर से चेयरमैन जयपाल शर्मा की ओर से आप सबको दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।